नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 45 फीट बाई 40 फीट मतलब 1800 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। साथ में इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना घर का काम करवाना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों, इस बनते हुए घर का साइज़ तो मैंने बताया 40 फीट में 45 फीट मतलब 1800 स्क्वायर फीट में, लेकिन इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन से लेकर जो अंदर में काम किया गया है या फिर कॉलम और बीम का काम किया गया है इसके बारे में पहले बताऊंगा आपको, उसके बाद जानेंगे कि कितना का खर्चा। अगर काम ठीक से जानते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा भी लग सकता है। इस घर का फर्श के लेवल की बात कर लिया जाए तो लगभग 2.5 फीट के आसपास में इसका ऊँचाई है वो रखा गया है ग्राउंड के लेवल से। अगर ऊँचाई ज़्यादा करते हो तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा आता है। हालाँकि आपका अगल बगल से जो रोड गया होगा वहाँ से कम आपको 3 फीट का ऊंचाई घर का जो फर्श का लेवल रहता है उसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर 2.5 फीट के आसपास में लिया गया है। साथ में इस घर का जो प्लिंथ बीम है, अगर इसका साइज़ का बात कर लिया जाए, ये देख सकते हो प्लिंथ बीम है, तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। ये जो आप प्लिंथ बीम यहाँ पर देख पा रहे हो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया, जिसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। इस घर के दाहिने तरफ आप देखिएगा तो सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। सबसे साइड में इस घर का सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। और इस तरीके से सीढ़ी बनाते तो आपको फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर वाला तला में चाहे आपका रेंटर रहते हैं या फिर दूसरा भाई रहता है तो किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग घर के अंदर में सीढ़ी बना देते हैं तो जो ऊपर वाला तला में रहते हैं तो पूरा घर में घुसते हुए वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो कई बार प्राइवेसी का आपको जो खतरा है वो रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर घर का काम किया जा रहा है। ये तो आपका हो गया सीढ़ी दाहिने की तरफ इस तरीके से। और यहाँ पे इस घर का मेन एंट्रेंस है लगभग 4 या 4.5 फीट के आसपास का और 7 फीट का मेन एंट्रेंस। इसके साथ यहाँ पे आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ स्लोप डिज़ाइन में यहाँ पे छज्जा का काम भी किया गया है, जहाँ पे आपको क्लियर अप वगैरह आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल गया विंडो, यहाँ पे आपको मिल गया पहला रूम, ये मिल गया आपका दूसरा रूम। इसके साथ साथ लगभग 3.5 फीट के आसपास का यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया है, छज्जा निकाला गया है। ये कैंटिलीवर बीम आप देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में लटक बीम भी बोलते हैं। देर नहीं करते हैं, चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है अंदर में। हालांकि कॉलम का बात कर लिया जाए तो इस घर का 9 इंची बाई 9 इंची का भी कॉलम का इस्तेमाल किया गया है और 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम का भी इस्तेमाल किया गया है। जो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, और जो 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम है उसमें 6 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। लेट ना करते हुए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर के काम को किया जा रहा है अंदर में। यहाँ पर आप जैसे ही देखते हो, जैसे आप घर में एंटर करते हो, यहाँ पे आपको मिल जाता है छोटा सा घर जिससे आप हॉल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हो कुछ इस तरीके से है और हॉल से एक छोटा सा दरवाज़ा जो सीढ़ी रूम में आपको लेकर जाता है। तो इस घर के लिए कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है। इसके साथ साथ आपका माहौल अच्छा रहे घर में इसलिए हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आर्क शेप का निर्माण है वो किया गया है। यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का दरवाज़ा है, ऊपर में आर्क शेप का निर्माण इस तरीके से किया गया है। देखिए, घर को बाहर से लोग सुंदर बनाने के लिए बढ़िया खिड़की बनाते हैं, सुंदर सा डिज़ाइन के साथ में पोर्टिको बनाते हैं, इसके साथ में और भी छत के ऊपर में या पैरापेट वगैरह का वाल का भी काम करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि घर को अंदर से कैसे सुंदर बनाना है। तो देखिए, ये सबसे आसान तरीका है। घर को अगर अंदर से सुंदर बनाना है तो आप आर्क शेप का इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर हॉल और डाइनिंग एरिया में जाने के क्रम में कोई भी आता है, जैसे यहाँ से घर में एंटर हुआ, यहाँ पर आपको आर्क मिलता है, सुंदर सा डिज़ाइन रहेगा। हॉल आता है, उसके बाद फिर आप डाइनिंग एरिया में जाते हो, अगर ये आर्क लगवा लेते हो तो आपका घर का लुक अंदर से कई गुना तक बढ़ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, तो इस ट्रिक का उपयोग आप अपने घर में करवा सकते हो। नीचे का पूरा फर्श का काम कर लिया गया है, ये देख सकते हो ढलाई के साथ में पूरा घर का काम को कर लिया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है इसलिए मैं आप लोग को पूरा जानकारी दे रहा हूँ कि कितना यहाँ पर काम किया गया है। तो हॉल या फिर डाइनिंग एरिया, किचन, बाथरूम या फिर सीढ़ी वगैरह जो भी है यहाँ पे इस तरीके से ढलाई के साथ में फर्श का काम कर लिया गया है। तो इस तरीके से आप घुसते हो, हॉल मिलता है, उसके बाद आगे चलते हो तो आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। एक बड़ा साइज़ का यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इसके साथ वहाँ पर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, ये आप देख सकते हो, ये मिल गया आपको किचन, स्लैब का कास्टिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, ये देख सकते हो इस तरीके से, ये पहला रूम है सिंगल विंडो के साथ। ये आपका मास्टर बेडरूम है अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में, ये देख सकते हो ये रूम का हिस्सा में ही है। अंदर में इस कॉर्नर पे टॉयलेट और बाथरूम इस मास्टर बेडरूम के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग है वो किया जा रहा है, पहला विंडो ये दूसरा विंडो। तो इधर आपको मिल गया
किचन वहाँ पे, इसके साथ साथ 12 फीट बाय 13 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे ये रूम है। इसके साथ इस रूम को साइज़ को बड़ा किया गया क्योंकि अटैच टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। इसके साथ इधर आपको मिल गया इस घर के लिए पूजा रूम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए पूजा रूम। उसके साथ इधर आपको एक और रूम मिलता है और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रूम आपको देखने को मिलता है। टोटल 4 रूम आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल विंडो के साथ काम को किया जा रहा है। छज्जा वगैरह दिया गया इस रूम में। इस रूम में आपको सिंगल विंडो का काम किया गया है। इस रूम में भी छज्जा इस तरीके से आप देख पा रहे हो, लगभग 22 इंच के आसपास तक का छज्जा ये दिया गया है। अंदर का जो भी वाल है, पार्टीशन वाला है, वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर का जो अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ रखते हो तो आपका कुछ ईंट बच सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 5 इंच का ही ब्रिक वर्क किया गया, जबकि बाहर का जो सारा दीवार है वो 10 इंच का रखा जाता है। सिक्योरिटी पर्पज़ के चलते बाहर का सारा दीवार को 10 इंच के साथ रखा जाता है, लेकिन अंदर का दीवार 5 इंच का आप रख सकते हो अगर आप प्रॉपर कॉलम बीम का जो काम है वो करवाए हो। तो ज़्यादातर लोग इसी तरीके से काम करवाते हैं, 5 इंच का अंदर का दीवार, बाहर का दीवार 10 इंची। इसके साथ फर्श वगैरह का काम मैंने बताया कि यहाँ पे कर लिया गया। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से इस घर को बनाया गया है, साथ में जानेंगे कितना का खर्चा आया है। उधर आपका मिल गया सीढ़ी साइड की तरफ, यहाँ से मेन इंट्रेंस के जरिए घर में एंटर करते हो, हॉल मिल गया। यहाँ पर आपको मिल गया इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, इस तरीके से डाइनिंग एरिया मिल गया। यहाँ पर आपको मिल गया किचन, पहला रूम मास्टर बेडरूम, कॉमन टॉयलेट बाथ, तीसरा रूम, चौथा रूम। इसके साथ यहाँ पे आपको इस छोर पे मिल गया इस घर के लिए आपको पूजा रूम। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। छत का दो हाइट है 10.5 फीट रखा गया है, ये देख सकते हो। वहाँ से लेकर यहाँ जो फर्श है वहाँ से छत का हाइट 10.5 फीट, लिंटर लेवल पे 7 फीट की ऊँचाई पर घर का बीम का काम किया गया है। इसके साथ साथ आप देखिएगा जो बीम है लगभग 4.5 इंची का यहाँ पे कास्टिंग किया गया है। ये जो बीम आप देख पा रहे हो लगभग 4.5 इंची का कास्टिंग यहाँ पे किया गया है और 8 mm का 4 सरिया के साथ इसमें काम किया गया है। 4 सरिया का इस बीम में भी काम किया गया। फ्लोर बीम का बात कर लिया जाए तो 9 इंच बाई 9 इंच का आपको फ्लोर बीम देखने को मिल जाता है, जो कि 5 इंची आपको नीचे लटका हुआ देखने को मिलता है और 4 इंची स्लैब में चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है सारा फ्लोर बीम में, जो कि 12 mm का सरिया था। तो इस तरीके से इस बनते हुए जो घर है इसका काम किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, बात कर लीजिए कि इस 45 फीट बाई 40 फीट मतलब 1800 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ जो घर है, इस घर को अब तक बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। तो काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से काम किया गया। यहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम भी आपको देखने को मिल जाता है। फर्श वगैरह का भी काम यहाँ पे देख सकते हो कि इजिली कंप्लीट कर लिया गया। पहले ब्रिक सोलिंग किया गया, फिर फर्स्ट का ढलाई का काम किया गया। आने वाला दिन में इस पे जो टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह का काम किया जाएगा। हालांकि ज़्यादातर लोग अभी टाइल ही लगा रहे हैं नीचे फर्श में, और किचन में ग्रेनाइट का यूज़ होगा यहाँ पे। तो सारा आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से घर को कम्प्लीट किया गया और पूरा घर को कम्प्लीट होने तक आखिर कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब तक का खर्चा बता रहा हूँ जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो 14 से 14.5 लाख के आसपास में खर्चा अब तक आ चुका है। काम आपके सामने है। इस तरीके से ये बनता हुआ घर था जिसको मैंने आप लोग को दिखाया और बताया कि किस तरीके से घर को कम्प्लीट किया जा रहा है। जैसे ही इसका प्लास्टर का काम होगा, पेंटिंग का काम होगा, सब खिड़की दरवाज़ा का फिक्सिंग का काम होगा, जिस तरीके से फर्नीचर वर्क वगैरह होगा सारा आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे ही बहुत सारा बनता है वो घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।